फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वाद का खजाना में। मैं हूँ प्रीति और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी मसाला आलू की रेसिपी, जो कि हम झटपट से कुकर में तैयार करेंगे। और आप मेरी इस रेसिपी को पूरा अंत तक जरूर देखिए और मुझे बताइए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बेबी आलू लिए हैं, जिनको अच्छे से हमने धोकर वॉश करके रख लिया है। और अब मैं इसमें फोक की सहायता से इस तरीके से इसमें छेद कर करके रखूंगी, जिससे हमारा जो मसाला हम बनाएंगे वो इसके अंदर तक चला जाए। अगर आपके पास फोक नहीं है तो आप इसको चक्कू की मदद से भी इस तरीके से कर सकते हैं। सारे आलू को मैंने इसमें फोक से छेद करके रख लिया है और अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। हमारे आलू तैयार होने के बाद में हमने कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम आज अपने झटपट मसाला आलू कुकर में बनाने वाले हैं। ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए अब हम इसका मसाला देख लेते हैं। तो मैंने जार में मैं थोड़े खड़े मसाले का यूज़ कर रही हूँ, इससे ये सब्जी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैंने 10 से 15 के करीब मिर्ची ली हुई है और मैंने 4 चम्मच के करीब धनिया लिया हुआ है खड़ा, और 2 चम्मच के करीब मैंने मूंगफली को रोस्ट करके रखा हुआ है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी हम इसको मिक्स करके पाउडर बनाएंगे इसका। ये देखिए, हमारा ये मसाला इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। इसी जार को मैंने वापस से ले लिया है। अब मैं इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ और 3 हरी मिर्ची ली हुई है, मैंने इसको लंबा लंबा चॉप करके रखा था, ये डाल रही हूँ। और 3 प्याज को मैंने रफली चॉप करके रखा था, ये भी मैं डाल के इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये हमारा लहसुन और प्याज का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और अब मैंने इसी जार में टमाटर डाल दिए हैं, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। ये हमारी प्यूरी बनकर तैयार है। अब हमारा कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया है और मैं इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच तेल मैंने डाल दिया है और ये अच्छे से गर्म हो रहा है। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है तेज। आपको तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और मैंने ये 2 तेज पत्ते लिए थे, ये तेज पत्ते डाल रही हूँ। इसके बाद में हम इसमें जो हमने प्याज का लहसुन का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे हम इसमें, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे हल्का सा गुलाबी होने तक। गैस को मैंने सिम पर कर लिया है और अब मैं इसको भून रही हूँ। ये देखिए, हमारी प्याज को 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये हल्की हल्की गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, तो मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है मेरे आलू की क्वांटिटी के हिसाब से। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ ये टमाटो की प्यूरी, इसको हमको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हमने जो सूखा मसाला बनाकर रखा हुआ था इसको भी हम डाल देंगे। इसमें हमने हल्दी ऐड नहीं की थी, इसलिए हम हल्दी अलग से डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा इसमें सारा मसाला हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है, इसने ऑयल अलग छोड़ दिया है इसमें से। अब हम इसमें अपने बेबी पोटैटो को ऐड करेंगे, सारे के सारे इसमें हम डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखे हुए थे, जिसको हमने गूंद करके तैयार कर लिया था, इन सबको हम डाल देंगे। तो 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमको इसको मसाले में मिक्स कर लेना है पूरा अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से ये मसाले में मिक्स हो गए हैं पूरा अच्छे से। और अब इसके बाद मैंने इसमें ये 1 कटोरी पानी लिया है, जो कि मैंने टमाटर प्यूरी का ही धोकर निकाल के रखा था, इसी को हम ऐड कर देंगे इसमें। और अब इसको हम 2 सीटी लगाने के लिए बंद कर देते हैं
और साथ ही मैंने इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी को पानी में भिगो कर रखा है, जो हम सब्जी बनने के बाद में डालेंगे। दो सीटी हो चुकी थी और अब ये हमारा कुकर भी खुल गया है। ये देखिए हमारे मसाला आलू कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और मैंने इसमें अब एक पिंच के करीब हींग ली है और गरम मसाला लिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और जो कसूरी मेथी मैंने एक चम्मच पानी में भिगो कर रखी थी, उसको भी मैं डाल दूंगी। और ये देखिए अब हम इनको इस तरीके से अपने बड़े बर्तन में निकाल लेंगे इसको हम। कंटिन्यू। ये देखिए हमारे मसाला आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे और आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और अगर आपको